Hello dear students, now we have seen the types of the graft, what is transplantation. Here we are going to see the important concept of transplantation, that is the graft rejection and particularly the mechanism of allograft rejection, because graft rejection generally takes place in the case of the allograft and xenograft. Amongst allograft is very important because since it is performed very much these types of grafting is very much common and important as well. So this type of graft rejection is must to study. So now, as we have already and earlier discussed, that graft rejection is very important phenomenon or very natural and common phenomenon. Since our body is very alert, it is very much aware that if any small antigen even tries to enter the body, tries to harm our body, or before trying to even enter, our body gets alert, it activates its different mechanism, and that's how that antigen is going to get eliminated. It doesn't even get chance to enter sometimes. So this is the very strong immune mechanism of our body that doesn't even let a small particle to harm our body. Then how is it possible that such a large organ or such a large cell of other person is going to get accepted by our body? Is it possible even? No. Why? Because our body has a well-crafted system, I would say, that it even doesn't let a particle to enter. Then how is it possible that it will let the organ, a big organ or a big cell, to enter the body? How is it even possible? So that's what we are going to see in this PPT, that what is the rejection mechanism which leads to the rejection of the graft, how our body doesn't accept any foreign or any foreign graft. Now there are different mechanisms like host versus graft reaction or the graft versus host reaction. Now in the host versus graft reaction, here you can see there are three things. First is hyperacute, acute, and third one is the chronic. So the name suggests होस्ट वर्सेज ग्राफ्ट रिजेक्शन. मतलब क्या कि हमारे बॉडी ने वो ग्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, और वो कैसे नहीं किया है, दिज आर द थ्री रिएक्शन. और बहुत रेयर बहुत कम बार जो होता है, विच इज़ द ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट रिएक्शन. ये कब होता है? जब ग्राफ्ट हमारे बॉडी में एंटर होके हमारी बॉडी को डैमेज करने लगे. मतलब हम ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं? ताकि हमें प्रिवेंशन मिले. बट यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ्ट ही हमारी बॉडी के दुश्मन बन जाता है. सो दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ द रिजेक्शन. ओके, सो नाउ देयर आर अबाउट फोर टाइप्स. नाउ फोर्थ में वन इज़ द होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट. ओके, एंड वन इज़ द ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट. होस्ट में आता है एक्यूट, हाइपर एक्यूट एंड द क्रोनिक. तो शायद आपको आइडिया हो गया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के. आई डोंट नो, बट लास्ट ईयर आपको था ये कंसेप्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. आई होप आपको आइडिया हो. बट यस, लेट्स जस्ट रिवाइज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी, अगर आपको याद होगा तो. नहीं तो वी आर गोइंग टू सी इट अगेन इन शॉर्ट. तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, आपको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एक रिएक्शन होता है. सेंसिटिविटी, हाइपर मीन्स वेरी फास्ट एंड वेरी रैपिड सेंसिटिव मेथड. तो कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में एलर्जीज होती है या ऑटोइम्यून डिसीजेज होती है. वो किस चीज़ की वजह से होती है? दैट इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. नाउ अगर हमारी बॉडी तो जनरली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती, बट उसी रिस्पॉन्स की वजह से कुछ ऐसे अनटॉलरेबल रिएक्शन होने लगे जिससे हमारी ही बॉडी को तकलीफ हो, दैट इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी. तो फर्स्ट टाइप, उसके चार टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. तो फर्स्ट वन इज़ द
इसमें आईजीई एंटीबॉडी रोल प्ले करती है। ये विद इन 1 आवर होती है, बहुत रैपिडली होती है। और ये एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस आपको पता होगा कि नहीं, जो बी होती है ना हनी बी, उसके स्टिंग से किसी को एलर्जी होती है, दैट इज़ द एनाफाइलैक्सिस। वो एलर्जी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द टाइप 1 टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी, जो आईजीई की वजह से होती है। मैंने आपको कल सिखाया था कि कुछ एंटीबॉडीज़ की वजह से जो है हमारे जो बॉडी के लाइक न्यूट्रोफिल्स वगैरह, वो सेल्स होते हैं जो ग्रैन्यूलेटेड होते हैं, जिनके ग्रैन्यूल्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो वो ग्रैन्यूल की वजह से ये रिएक्शंस होती है हाइपर सेंसिटिविटी 1। हाइपर सेंसिटिविटी 2 में क्या होता है, IgG या IgM के वजह से ये होती है, और वो भी साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है। साइटोटॉक्सिक में हमने देखा था कि टी सेल जनरली यू नो रोल प्ले करती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो वो क्या करती है, हमने सीखा था कि वो एंटीबॉडी को थ्रू द एंड लाइक सॉरी एंटीबॉडी बोला एंटीजन को जो है, अगर वो इंट्रासेलुलर भी हो तब भी वो भाप लेती है। एंड वही जो यहाँ पे होता है ADCC में भी, ये भी कुछ ग्रैन्यूल सिक्रीट करती है जिसकी वजह से ये सेल ऑपोप्टोसिस करता है और रिएक्शंस होती है। तो वो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी 2, जो अबाउट 1 आवर्स टू सम डेज तक हो लाइक होता है, या सम आवर्स टू सम डेज के बाद होता है। ये अगर कॉमन एग्जांपल इसका ले तो हेमोलाइटिक एनीमिया इसका एग्जांपल एक डिसीज़ है। हेमोलाइटिक एनीमिया मतलब क्या, आपको पता है हमारी बॉडी जो है RBC जो है वो अपने आप किल हो जाते हैं, आपको पता है उनका कुछ लाइफ स्पैन होता है अबाउट 120 डेज, उसके बाद वो अपने आप को किल कर लेती है, ये नेचुरली होता है। बट यहाँ पे क्या होता है हेमोलाइटिक एनीमिया में, ये थोड़ा स्पीड उनका ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से RBC का काउंट बहुत ड्रॉप होता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द हेमोलाइटिक एनीमिया। देन द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ बाय द इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी का आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है फॉर्म हुआ है, जो आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट पाथवे अल्टरनेटिव पाथवे में ये रिएक्शन होती है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है वो इसको लाइक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को रिकग्नाइज करके ये रिएक्शन करती है, और न्यूट्रोफिल्स यू नो अग्रैनुलेशन कर लेती है, अग्रैनुलेशन में ग्रैन्यूल्स जो रिलीज होती है वो बहुत टॉक्सिक होती है। तो इसका ये जो होता है ये रिएक्शन, ये अप लाइक अबाउट 1 to 3 वीक्स लेता है होने में। ओके, देन इसका एग्जाम्पल है सीरम सिकनेस डिसीज़। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज़ द साइटोकाइंस, जो अबाउट कुछ डेज या कुछ वीक्स लेता है, टी सेल मेडिएटेड है। साइटोकाइंस का आपको पता होगा कि वो अट्रैक्ट करती है द टी सेल्स, और उसकी वजह से यू नो साइटोकाइंस कभी कभी टॉक्सिक भी होती है, वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ऑन करती है, तो इसकी वजह से रैशेस हो सकते हैं। सो दैट इज़ द टाइप 4 टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, सो ये मैंने बस बेसिक आइडिया दिया है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, द मेन पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज़ दिस, द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन और द ऑटो सॉरी एलोग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इसमें फर्स्ट वन इज़ द हाइपर एक्यूट रिएक्शन, जो हाइपर एक्टिव रिएक्शन होता है या रिजेक्शन होता है, हाइपर एक्टिव मतलब ये बहुत फास्ट होता है, नॉर्मल से भी फास्ट, तो ये बहुत इमीडिएट होता है एक्शन, ऑनसेट इज़ वेरी इमीडिएट लाइक फ्यू आवर्स टू फ्यू मिनट्स वी कैन से। और ये जो होता है इसमें लाइक कैसे ये होता है, तो परफॉर्म इसका मैकेनिज्म इज़ दैट द परफॉर्म एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द डोनर टिश्यू। तो आपको पता है एंटीबॉडीज वेरी कॉमन मैकेनिज्म, तो ये जो हमारी बॉडी में अगर लाइक पहले से ही अगर उस ग्राफ्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हो तब भी वो अटैक कर सकती है उस ग्राफ्ट पे। देन जो बहुत रेयरली होता है ABO ब्लड टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, जनरली हम ब्लड ग्रुप देते वक्त सॉरी ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके वक्त हम ध्यान में रखते हैं कि ब्लड ग्रुप सेम हो, बट अगर गलती से ऐसा हो कि यू नो ट्रांसप्लांटेशन में एक की जगह हक किसी ने ए पॉजिटिव की जगह ए निगेटिव ब्लड ग्रुप दिया या बी पॉजिटिव की जगह बी निगेटिव ब्लड ग्रुप दिया, तो ये केस हो सकता है हाइपर एक्यूट रिएक्शन। और कभी कभी तो ये इतना रैपिड है कि कोई पेशेंट्स में यू नो सर्जरी हो रही हो तभी ये हो जाता है।
और रिजेक्शन में क्या होता है, फिर थ्रोम्बोसिस होता है। थ्रोम्बोसिस अगर आपको पता है तो अनयूजुअल क्लॉटिंग होती है ब्लड की, मतलब नॉर्मली ब्लड की क्लॉटिंग आपको पता है इंजरी की वजह से होती है, बट यहाँ पे अनयूजुअली हो जाती है। और उसकी वजह से ग्राफ्ट वेसल, मतलब क्या कि हमने ग्राफ्टिंग कर ही रहे होते हैं हम, मतलब डॉक्टर्स या सर्जन, तो वो ग्राफ्टिंग कर ही रहे होते हैं कि रिजेक्शन होना शुरू हो जाता है, इमीडिएटली थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाता है, और जो है क्लॉट्स फॉर्म होना शुरू हो जाता है ऑन दी ग्राफ्ट के जो वेसल्स होते हैं। ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी, मतलब हम जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो ऑर्गन ही होता है जनरली, तो वो ऑर्गन की ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है। एंड ये कौन सी रिएक्शन की वजह से होता है, दैट इज़ टाइप टू हाइपरसेंसिटिविटी। ओके, एंड इट इज़ वेरी इमीडिएट। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द हाइपरसेंसिटिविटी इज़ द एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी। नाउ हियर इट टेक्स अबाउट वीक्स टू मंथ, मतलब कुछ हफ्ते लेगा, कुछ मंथ्स लेगा, बट होगा ज़रूर। सो ये रिजेक्शन में क्या होता है, टी सेल मेडिएटेड, अगेन इट इज़ अ टी सेल मेडिएटेड, जो मैंने आपको जब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में बताया था जहाँ टी सेल्स रोल प्ले करती है, तो ये जो टी सेल्स है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन में रोल प्ले करती है, मैंने आपको बताया था। तो यही है कि टी सेल्स जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन में, बिकॉज हमारी टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम का हार्ट है, मतलब उनके वो एक ऐसी सेल्स है जो बहुत सारी मैकेनिज्म्स कैरी आउट करती, बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट करती, सो दैट्स व्हाई द टी सेल प्लेज द मेजर रोल। और यहाँ पे अगर बात करें तो वी नो कि एमएचसी मॉलिक्यूल जो है वो सपोज टी हेल्पर वन, लाइक CD8 टी सेल्स हो तो वो MHC1 को रिकोगनाइज़ करेगी, CD4 हो तो वो MHC2 को रिकोगनाइज़ करती है, बट आपको पता है ना कि वो MHC जनरली ऐसा नहीं कि वो फॉरेन एंटीजन को ही एक्सप्रेस करती है, कभी कभी वो खुद के, कभी मतलब हमेशा ही वो खुद के प्रोटीन्स को भी सरफेस पे एक्सप्रेस करती है, क्योंकि हमारे सेल्स को, टी सेल्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो MHC पे अगर सेल्फ मॉलिक्यूल्स हो तो वो उनको डैमेज ना करे या उस सेल को डैमेज ना करे। अगर वो ट्रेनिंग नहीं दी तो हमारी टी सेल पकड़ के हमारे सभी सेल्स को डैमेज कर सकती है। सो इसीलिए हमारे जो टी सेल्स होते हैं उनके MHC मॉलिक्यूल्स पे जो, सॉरी टी सेल नहीं, जो हमारे सेल्स होते हैं, अपने सेल्स होते हैं बॉडी के नॉर्मल सेल्स, उनके MHC मॉलिक्यूल्स उनके सरफेस पे होते हैं और वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, हमारे सेल्फ एंटीजन। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पेशेंट का जो है एंटीजन है, तो इसकी वजह से उसके ऊपर जो MHC है, मतलब ग्राफ्ट के जो सेल्स है, सपोज़ किडनी के जो सेल्स है उसके ऊपर जो MHC, अब वो MHC कोई भी हो सकता है, 1 हो 2 हो या 2 हो, उसके ऊपर कुछ एंटीजन होगा जो ऑब्वियसली इसका खुद का है। ये जो पेशेंट का सेल है, सपोज़ हम ले टिश्यू है, तो ये इसका खुद का है एंटीजन, ये उसका सेल्फ है, बट ये टिश्यू जब हमारी बॉडी में एंटर होगा, ये हमारे लिए, हमारे बॉडी सेल्स के लिए डिफरेंट होगा, ये हमारा अपना नहीं होगा, तो इसकी वजह से इसका, इसके जो MHC मॉलिक्यूल्स हैं, जो टिश्यू, जो ग्राफ्ट है उसके MHC मॉलिक्यूल है, उस पर जो एंटीजन है, जो उनका सेल्फ है बट हमारे लिए वो फॉरेन है, तो वो रिकोगनाइज किया जाएगा बाय द टी सेल और वो उनको डिलीट करने में डिलीट करना स्टार्ट करेगी, तो ऐसे रिजेक्शन होता है। एंड ऑल्सो इसके साथ ही ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्राफ्ट वेसल रिजल्ट्स द मोस्ट लाइक ल्यूकोसाइट इन्फ्लेमेशन एंड द ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ग्राफ्ट वेसल। क्या होता है कि कभी कभी जो ल्यूकोसाइट है हमारे, जो हमारे मतलब जो ग्राफ्ट है, जो हमने हमारे, सपोज हम एज अ खुद का एग्जांपल लेंगे, तो हमारे में वो ग्राफ्ट आ चुका है, हमारे में वो ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो हमारे जो उसके जो ल्यूकोसाइट है ग्राफ्ट के, वो हमारे बॉडी में इंटर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफ्ट में वेसल्स तो होंगे, फ्लूड तो होगा, तो उससे ल्यूकोसाइट जो है वो माइग्रेट होना शुरू होंगे हमारे बॉडी में, तो उसकी वजह से भी रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से भी रिजेक्शन होते हैं, अलॉन्ग विद दैट इन्फ्लामेशन भी होता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, टी सेल की वजह से। देन इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो एक्यूट रिजेक्शन है, इट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ रिजेक्शन, मोस्टली यही होता है। अगर रिजेक्ट हुआ ग्राफ्ट तो ऑब्वियसली डॉक्टर लोग होने नहीं देंगे, बट अगर हुआ तो यही मैकेनिज्म होता है।
Now, the third type of the graft rejection is the chronic graft rejection. ये होने में बहुत time लगता है, about months to years. मतलब आप सोच सकते हो अगर ये हुआ तो बहुत ज़्यादा हमें disappoint कर सकता है, because इतने सालों के बाद ये होना is a very very bad thing. Now, ये about months to years होता है. Then like the T cell mediated processes. Now, oh sorry, I forgot to tell, acute जो है वो type 4 hypersensitivity के वजह से होता है. ओके, नाउ ये जो थर्ड टाइप का है क्रोनिक, क्रोनिक में क्या होता है, अगेन टी सेल ही कुछ करने वाली है. वो क्या करती है, ये भी वही करती है जो एक्यूट में होता है. जस्ट बिकॉज ये क्रोनिक जो है वो थोड़ी लाइक मंथ्स टू ईयर्स में होता है, एंड एक्यूट जो है वो वीक्स टू मंथ्स में होता है, तो इसकी वजह से उनमें डिफरेंस है. अदरवाइज मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा सेम है, यू कैन सी हियर, थोड़ा एज आई एम सेइंग थोड़ा, ओके, नॉट कम्प्लीट सेम. तो यहाँ पर क्या होता है, टी सेल मेडिएटेड processes resulting from the foreign MHC looking like a self MHC carrying an antigen. जैसे वहाँ पर होता है यहाँ पर भी वही होता है, बट यहाँ पर थोड़ा वैरी है कि वहाँ पर तो वो अपने MHC molecule नहीं, वो अपना antigen ही नहीं है यही consider करते, या वो अपना cell नहीं है ये वाला consideration होता है in the acute. But chronic में क्या होता है कि MHC molecule, वो ऐसा उनको लगता है कि वो जो MHC cells है या वो जो graft के cells है वो अपने cells है, तो हमें उनको protect करना है. तो वो जो हमने सीखा था कि ग्राफ्ट नहीं, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या होता है कि अगर कोई सेल डैमेज भी हो या कोई सेल में यू नो फॉरेन इन्फेक्टेड भी हो, तो हमारी बॉडी इतनी एक्टिवेट हो जाती कि उस सेल को किल करती ताकि वो बाकी सेल को ख़राब ना करे. ये हमारी बॉडी का मेन मैकेनिज्म होता है. तो ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, अभी ये हुआ ग्राफ्ट, ये हमारा ग्राफ्ट है जो हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ है. तो ये ग्राफ्ट में कुछ MHC होंगे, ये उसके है, बट हमारी बॉडी को ये मिस्टेक हो जाएगा कि ये MHC हमारे नहीं है, सॉरी ये MHC हमारे है, सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, ओके. सो मैं पहले से बताती हूँ, तो ये MHC जो इस ग्राफ्ट के है, ओके, बट हमारी बॉडी को जो है वो गलतफहमी हो जाएगी कि ये अपना सेल है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, एंड ये MHC भी इस सेल का है, और ये जो एंटीजन इसने एक्सप्रेस किया है एक्चुअली इस ग्राफ्ट का है. बट ये हमारी बॉडी को समझ नहीं आएगा, टी सेल्स को समझ नहीं आएगा, वो इस एंटीजन को फॉरेन कंसिडर करेगी, बाकी उसको लगेगा ये अपना ही है, इतना ये ग्राफ्ट भी अपना है, MHC भी अपना, बट ये जो एंटीजन है ये अपना नहीं है. तो इसके अगेंस्ट कुछ हमें इम्यून मैकेनिज्म करनी है. और आपको पता होगा कि MHC के डिटेक्शन के बाद टी सेल्स जो है या हमारी दूसरी बॉडी सेल्स है वो इस सेल को किल कर देगी, मतलब हमारा ग्राफ्ट क्या होगा, रिजेक्ट होगा, ओके. सो यही मैकेनिज्म है. नाउ रिजल्ट्स इन द, अब इसकी वजह से ये जो मैकेनिज्म हो, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ग्राफ्ट होता है इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता, उसकी वजह से फाइब्रोसिस होगा, थोड़ा ग्राफ्ट जो है वो थिक होने लगेगा, ग्राफ्ट के वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो चुका है ये ऑलरेडी. देन ग्राफ्ट एट्रोपी, मतलब क्या, ग्राफ्ट जो है उस ब्लड नहीं मिलने की वजह से सूख जाएगा, इन शॉर्ट, ओके, सूख जाएगा वो, थोड़ा ऐसे श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज उसको कुछ मिला ही नहीं खाने, लाइक ब्लड ही नहीं मिला, तो ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वो कैसे जिंदा रहेगा, तो वो सूख जाएगा, ओके. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ द ग्राफ्ट रिजेक्शन विच इज़ अ क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन. नाउ द ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में क्या होता है, अब इसका जो ऑनसेट टाइम है, जैसे ये कुछ दिनों में होता है, कुछ महीने में होता है, ये वैरी करता है. अब ये एक पूरा एक टाइप ऑफ रिजेक्शन था जो हमारी बॉडी करने वाली, यानी कि होस्ट करने वाला है अगेंस्ट द ग्राफ्ट, ओके. बट ये दूसरा जो मैकेनिज्म है, इट इज़ डन बाय द ग्राफ्ट ऑन द होस्ट. यहाँ पे केस उल्टा है, बिकॉज़ यहाँ पे क्या होने वाला है कि ग्राफ्ट जो है, जो हमारे बॉडी में दूसरा मेहमान आया है, वही हमारे बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करने वाला है. सो यू कैन थिंक, सो नाउ इसका टाइम कुछ कम, लाइक कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, कुछ दिनों में होगा, कुछ हफ्तों में होगा, या कुछ ईयर्स में होगा, कुछ वीक्स में होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. देन यहाँ पे क्या होता है कि जो डोनर टी सेल्स होती है वो अब किसकी है, ग्राफ्ट की है. ग्राफ्ट में जो टी सेल्स है वो यहाँ पे काम करने वाली, उसके टी सेल्स, ओके, ग्राफ्ट के टी सेल्स, अब वो क्या करने वाले हैं, ये टी सेल उल्टा हम पे ही अटैक करने वाली है, रेसिपिएंट पे ही अटैक करने वाली है, ओके.
तो यहाँ पे क्या होगा कि टी सेल एक्टिवेट हो जाएगी किसकी, ग्राफ्ट की। वो एक्टिवेट हो गई तो वो रेसिपिएंट के सेल्स पे अटैक करेगी। कोई साइटोटॉक्सिक टी सेल हो सकती तो वो तो डायरेक्टली उसको किल करेगी। अगर साइटोटॉक्सिक नहीं हुई तो फिर वो दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करेगी, बी सेल वगैरह को, वो एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी। वो एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारे अपने ही सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देगी। तो ये मैकेनिज्म होता है इन द ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट में। यहाँ पे इट इज़ द मोस्ट कॉमनली सीन इन द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये जनरली बोन मैरो ट्रांसप्लांट में होता है, बिकॉज आपको पता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बिकॉज बोन मैरो में जो है टी सेल रहती है, बी सेल्स इमैच्योर, ओके, इमैच्योर, मैचुरेशन तो वो थाइमस में ही होगा, बट फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में ही होता है। वो मैचुरेशन उनका जो है थाइमस में होता है, टी सेल का, बी सेल का तो बोन मैरो में होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, वो टी सेल जाएगी थाइमस में मैच्योर होगी वो, और वो क्या करेगी, हमारी बॉडी को हमारे अगेंस्ट लगा देगी, हमारी बॉडी सेल को ही हमारे अगेंस्ट लगा देगी। तो इसके वजह से हमारी बॉडी पे हार्म हो सकता है, लाइक रैशेस हो सकती है, हमें जॉन्डिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, दैट इज़ द थिंग। ऐसे टाइप्स के रिएक्शंस होती है इन द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ओके। सो दिस हैपन्स ड्यू टू द टाइप 4 टाइप ऑफ द हाइपरसेंसिटिविटी। ये दोनों जो थे, क्रोनिक जो था इट इज़ ड्यू टू द टाइप 3 एंड टाइप 4। सो दिस इज अबाउट द ग्राफ्ट रिजेक्शन, कौन से टाइप्स के हैं, ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट एंड द होस्ट वर्सेज ग्राफ्ट। होस्ट वर्सेज ग्राफ्ट जो है वो 3 टाइप के हैं, एक्यूट है, क्रोनिक है, हाइपरक्रोनिक है। एंड द ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट का तो कुछ टाइम सेट नहीं है, वो तो कभी भी हो सकता है। एंड उसकी मैकेनिज्म भी हमने देखा, टी सेल, अब मोस्टली टी सेल्स की वजह से सब रिजेक्शन होता है। अब वो कैसे होता है, और आपको मेन बात ये याद रखनी कि कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से कौन सा ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू रिमेंबर। सो नाउ विद दिस वी आर एंडिंग दिस पॉइंट ऑफ द ग्राफ्ट रिजेक्शन, एलोग्राफ्ट रिजेक्शन, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, विच इज़ द मैकेनिज़म्स और द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिजेक्शन। मतलब अभी रिजेक्शन हो चुका है, बट ये रिजेक्शन ना हो इसलिए जो है डॉक्टर्स या जो सर्जन है वो क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या मेडिकेशंस लेते देते हैं टू द पेशेंट, वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।